हाँ जी, सत श्री अकाल जी। तुहाडे अपने प्यारे चैनल स्टडी बार पर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, 12वीं पास वास्ते सरकारी नौकरी आउट की थी कि 2022 एक दिन तुहाडे कोल बाकी है जी, ठीक है। तो लास्ट डेट 21 नवंबर 2022, तो अज 20 नवंबर हो गई है, तो कल तुहाडे कोल लास्ट डेट, एक दिन बचा तुहाडे कोल। जल्दी कर लो अप्लाई, जो भी एलीजिबल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना जी, अप्लाई करना तुसीं ऑनलाइन अप्लाई करना है। हाई कोर्ट में जो बंपर भर्ती आउट कर दी गई, बाकी की एलीजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एज क्वालिफिकेशन है, सारी जानकारी इस वीडियो में। कृपा करके वीडियो को पूरा जरूर देखना, स्किप नहीं करना। चैनल तो पहले चैनल में कर लो सबसक्राइब। तो शुरू करते हैं आई थी वीडियो में। वीडियो शुरू करते पहले रिक्वेस्ट है, कृपा करके वीडियो पूरा जरूर देखा करो। फिर थोड़े बहुत कमेंट आने लग जाने एज की, क्वालिफिकेशन की, किस तरह अप्लाई करना है, एक वीडियो पूरा जरूर देख लिया करो। फिर थोड़े मन च कोई डाउट रहता तो मैंने कमेंट सैक्शन में पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब तो पहला उत्ते देख सकते हो, इन्हें मैनशन किया है अप्लाई ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 31/10 तो स्टार्ट हो गए हैं 31 अक्तूबर 2022 तो। लास्ट डेट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 21/11/2022, 21 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। रात 11:59, ठीक है, इसकी लास्ट डेट है 21 नवंबर 2022। तो इस तो पहले पहले तुम अप्लाई कर लेना, जो भी एलीजिबल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते अप्लाई कर सकते हो। तो उस बार इस आप क्वालिफिकेशन की गल करिए, प्लस टू तुम्हें की है, प्लस टू की जाने कि 12वीं पास हो, तो 55% तुम्हारे मार्क्स होने चाहिए, नंबर होने चाहिए प्लस टू में। तो एलीजिबिलिटी जो रखी गई क्वालिफिकेशन। तो उस तो बार एप्लीकेशन फीस की गल करिए, जो कैटागरी वाइज इतने वेख सकते हो, जनरल एंड अदर जो है, ठीक है, अपने एरिया जिमें हो गए स्टेट, अदर दैन पंजाब हो गया, हरियाणा, यूटी, चंडीगढ़, ठीक है, इन वास्ते जो अदर है स्टेट वाले 500 रुपया तुम्हारा फैकलेशन चार्ज हो गया, 500 रुपया एग्जामीनेशन फीस, टोटल 1000 रुपया फीस होगी। उस तो बार SC ST BC जो है अपने स्टेट पंजाब हरियाणा यूटी चंडीगढ़ के 500 रुपया फैकलेशन चार्ज, 250 रुपया एग्जामीनेशन फीस, टोटल है 750 रुपया फीस रखी गई है। बाकी जो कैंडिडेट है PWD इन वास्ते 750 रुपये फीस रखी गई, 500 फैकलेशन चार्ज, 250 रुपया एग्जामीनेशन फीस, टोटल रखी गई फीस 750 रुपया। तो उस बैक सर्विसमैन की गल करिए, इस टोटल जो फीस रखी गई 750 रुपया, तो वेख सकते हो तुहाडी फीस रखी गई है। तो उस बार थले रिजर्वेशन दिता है, अपना इंट्रैक्शन कर दिखाई ने, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की गल करिए, जो है एग्जाम होगा सारा कुछ मैंशन किया वेख सकते हो, नॉर्मलाइजेशन होगा तो सारा कुछ इतने मैंशन किया वेख सकते हो। टैसट सेंटर इतने दिता थोड़ा, पंजाब हो गया, हरियाणा, यूटी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, NCR कैंडिडेट, ठीक है, कितने भी थोड़ा जो एग्जाम सेंटर हो सकता। डेट ऑफ एग्जाम की गल करिए, एग्जामीनेशन, ठीक है, डेट ऑफ थोड़ा एग्जाम होगा 2022 से जनवरी 2023 भी थोड़ा जो एग्जाम होगा। थले इंट्रैक्शन कर दिखाई हैं, ठीक है, इसको जरूर पढ़ लेना अपलाई करने तो पहला, तो उस तो बाद अपलाई करना। तो हूँ तुम दस देना वैकेंसियां टोटल कितनी आउट की गई ने। तो इस जो वैकेंसियां आउट की गई टोटल 35 जो पोस्ट आउट की गई ने, 21/11 लास्ट डेट, इस तो पहले पहले तुम्हें अपलाई कर लेना है। रिस्टोरर, ठीक है, रिस्टोरर की जो पोस्ट आउट की गई है, जनरल दी है पोस्टा 28, SC ST BC 4, ESM 2, जो है पर अपने PWD, ठीक है, परसन विद डिसबिलिटी लो विजन, इन वास्ते एक आउट पोस्ट जो की गई, एक पोस्ट आउट की गई है। तो जो पोस्टा वेख सकते हो, वैकेंसियां जो कैटेगरी वाइज डिवाइड की चैक कर सकते हो। तो उस बार एज लिमिट की गल करिए, एज लिमिट रखी गई मैक्सीमम जो रखी गई 30 साल, 18 तो लैके 30 साल जो एज रखी गई है। बाकी जो रिजर्वेशन जो रिलैक्शन दिता जाता SC ST BC जो पंजाब हरियाणा यूटी चंडीगढ़ देखे कैंडिडेट, उन्होंने 3 साल की छूट, PWD 10 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन 3 साल की छूट, ठीक है, इतने मैनशन किया वेख सकते हो। तो यह PDF में एक जरूर पढ़ लेना, ठीक है, अपलाई करने तो पहला, तो उस तो बाद ही अपलाई करना है। PDF तुम्हें मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप तो टैलीग्राम ग्रुप में, तो लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जिन्हें ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन जरूर कर लो। उस तो बाद थले इंट्रैक्शन कर दी ने, इसको जरूर पढ़ लेना अपलाई करने तो पहला, तो उस तो बाद अपलाई करना। जेकर तुम्हारे मन च कोई भी डाउट कोई सवाल तो मैंने कमेंट सैक्शन में पूछ सकते हो। तो जानकारी से अपडेट्स तुम्हारे जानकारी साझा करना चाहता सी, वीडियो पता लगी हेल्पफुल, लाइक से जरूर करना। वीडियो देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।